वैसे तो अस्पताल में लोगों की जान बचाई जाती है, मरीजों को मौत के मुंह से निकाल कर नई जिंदगी दी जाती है, मगर पानीपत सिविल अस्पताल इस मामले में थोड़ा बदनाम है। अब अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर लेटी इस महिला को ही देख लीजिए। दरअसल हुआ यूं कि प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिला को उसकी सास ई रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची। जैसे ही सास अपनी गर्भवती बहू को लेकर इमरजेंसी गेट के बाहर पहुंची तो बहू ने ई रिक्शा में ही बच्ची को जन्म दे दिया। हालांकि गेट के बाहर गर्भवती महिला के द्वारा बच्ची को जन्म देने की सूचना मिलते ही इमरजेंसी वार्ड से स्टाफ नर्स पहुंची और बच्ची और मां दोनों को संभाल कर उसके बाद सिविल अस्पताल में दूसरी मंजिल पर जच्चा बच्चा वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ये रक्से में लेके आई और जब तक मैं मेट्रो में लेके आई, मेट्रो में जब तक मैं मतलब अंदर ले जाऊं जब तक मेट्रो में ही हो गई। एम्बुलेंस नहीं बुलाई आपने? एम्बुलेंस हाँ। नहीं बुलाया था हमने, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने अपनी आशा को फोन करा था, उसने बोला कि हम यहाँ हैं, ऑटो करके हम लेके चले आए। एम्बुलेंस को फोन करते दिक्कत ही नहीं आती फिर? यहाँ सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर हेल्प मदद कर रहे हैं? हेल्प अब अंदर जाएंगे जब ही तो हमको यहाँ तो आई गए ना। हाँ, अब हेल्प करने के लिए तुरंत आए, लेके गए। रिक्शा में ही होगी? हाँ, रिक्शे में ही हो गई। हालांकि इस बार अस्पताल की कोई लापरवाही उजागर नहीं हुई है, क्योंकि गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल ही नहीं किया गया। बता दें कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चों को जन्म देने का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी गर्भवती महिलाओं ने इमरजेंसी गेट के बाहर ही कभी एम्बुलेंस तो कभी ऑटो और कभी ई रिक्शा में बच्चों को जन्म दिया है। यही नहीं, कई महिलाएं तो अस्पताल पहुंच ही नहीं पाई, उन्होंने कभी रोड पर तो कभी रेड लाइट पर ही बच्चों को जन्म दे दिया। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।